हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। अगेन लक्ष्मण भाई मेरे साथ में है। आज अपन क्या कर रहे हैं? शॉपिंग। आज हम ग्रोसरी शॉपिंग करने आए हैं। बिल्कुल, जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं। और यहाँ पर जो है कोनार्ड सुपरमार्केट काफी फेमस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए, तो वहीं पर आज जो है हम शॉपिंग करने आए। घर से सिर्फ 2 मिनट की वॉक पर है, तो जस्ट हम एंटर ही हुए हैं। इनको आप एंट्रेंस दिखा दीजिए। ये एंट्रेंस एरिया, यहाँ से अभी एंट्रेंस हुए हैं। यहाँ से थोड़ा सा एंटर करके हमारा स्वागत सीधा। दिखाओ एंटर कैसे होते हैं, वापिस जा सकते कि नहीं? चलो ठीक है, तो फिर आप स्टार्टिंग में सबसे पहला सेक्शन मोस्ट ऑफ द इटालियन प्लेसेस में ना फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल सबसे पहले मिलेगा आपको। ठीक है, किसी भी सुपरमार्केट में चले जाइए। अच्छा, क्योंकि ये जल्दी कंज्यूम होने वाली चीज है, तो लोगों की नजरों में आनी चाहिए। हाँ, पॉइंट तो है। खराब हो जाती, वेस्ट हो जाती है। क्या बात है, देखते हैं दोस्तों आज हम शॉपिंग करते हैं और कितने का बिल बनता है। इस साइड पर ये क्या है यार? ये वेजिटेबल है। ये वेजिटेबल्स है जो डिफरेंट टाइप के सैलड्स है, मतलब जो यहाँ पर स्पेशली मिलता है। ये जो सैलड है ये यहीं पे मिलेगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा, मतलब। अच्छा। और हमें तो कड़वा लगता है, पर इटालियंस बहुत चाव से खाते हैं इसको। चलो ठीक है, ये इटालियंस इसको ब्रेड में रखते हैं, टोमेटो रखते हैं और मोज़रेला रख के खा लेते हैं। ठीक है, डन। ये फेस्टिवल के लिए आए हुए थे अभी तक, अब जब फेस्टिवल भूखे वगैरह। हाँ, ये फेस्टिवल के लिए। अब जब ऑफर लगा हुआ है तेल पे तो देख लेते हैं। तो ये ऑफर वाले आइटम्स यहाँ पर रहते हैं ना? हाँ, जैसे के लिए एक सेक्शन अलग से बना हुआ। ये वाला ऑलिव ऑयल आ रहा है 8.49 यूरो का, जबकि ये यहाँ का टॉप ब्रांड नहीं है। ऑयल के प्राइसेस आजकल थोड़े बढ़ गए हैं, क्योंकि फेस्टिवल में ज्यादा खपत हो गई है तेल की। हाँ, और फिर भी हम देखेंगे दूसरा ब्रांड हमारे लिए, जो हमारा रेगुलर ब्रांड है। करेक्ट, वैसे भी हम टॉप ब्रांड ही यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं ऑफर वाला 8-8.5 यूरो का आएगा, लेकिन हम जो भी लेंगे 10 यूरो के ऊपर। अरे क्या बात है भाई। तो भाई जिस घर में मैं रह रहा हूँ रोम के, ये लोग बहुत अमीर है, मतलब खाने पीने में। नहीं, हम खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज हर जगह कर लेंगे बाकी। चलो भाई, तो ये बकेट हमने ले लिया है कार्ट। कार्ट में पहली चीज जो हम डाल रहे हैं वो यहाँ का फेमस इडली का फॉर्माजो। हाँ, फॉर्माजो हर पास्ता में डलता है। क्या बात, इसमें तीन टाइप्स आते हैं, चीज बोलते हैं ना उसको, चीज जो इंडिया में जिसको चीज बोलते हैं। और इसमें तीन टाइप आती है, एक ग्रानो पदानो, ये कड़वा नहीं होता, ये अपने दूध की क्रीम को जैसे आप सुखाओगे ना तो ये वैसा पाउडर जैसा फ्लेवर देता है, जैसे पाउडर मिल्क होता है वैसा फ्लेवर देता है। ये थोड़ा सा हार्ड फ्लेवर होता है जो पास्ता में डालने के बाद में अच्छा लगता है। सही है। कितने का ये पड़ा अपने को चीज, ये वाला? ये हमको पड़ रहा है 1 यूरो 60 सेंट्स का पड़ रहा है। 1 यूरो 60 सेंट्स का। चलो आगे चलते फिर और देखते हैं। तो अब ब्रो जो है अंडे लेने वाले हैं। अंडे कितने का पड़ रहा है ब्रो? संडे हो या मंडे, खाओ रोज अंडे। ए, क्या बात है, अंडे खाओ, सेहत बनाओ। ये देखिए यहाँ पर दो टाइप का सेक्शन होता है। हाँ। एक जो नॉर्मल अंडों का सेक्शन है वो। हाँ। है। और एक जो ऑर्गेनिक होता है, जो मतलब एकदम बायोलॉजिकल तरीके से बनते हैं हेल्थ के लिए। जो तो मतलब ये जो है असली मुर्गी अंडा देती है? नहीं, मुर्गी तो वही है, पर इस मुर्गी को कुछ खाना अलग खिलाते हैं। अच्छा, अच्छा वाला खाना खिलाते हैं। इन अंडों की क्वालिटी बेहतर होती है, इसलिए प्राइस इनकी देख लीजिए। 2 यूरो के 6 अंडे आ रहे हैं। 4 अंडे, 2 यूरो के 6 अंडे। और उधर उधर देखिए 1.5 यूरो में आपको मिल जाएंगे 8 अंडे। मतलब यहाँ पर भी मतलब 2 यूरो के करीबन 10x है। 10x 2 यूरो के आप, हाँ, 10 अंडे। तो इस हिसाब से फिर भी हम तो जैसे कि हमने बताया कॉम्प्रोमाइज करते हैं नहीं, बायो उठाने चल रहे हैं। कई बात है, जैसे वीडियो के लिए या सही में भी? क्योंकि हमारे हमारे जो घर है ना एक बार आदत लग जाती है ना एक्सपेंसिव खाने की, वो छूटती नहीं है। सही बात है। जैसे कि हमने अंडे ले लिए, अंडे लेने के बाद हम चल रहे हैं अंडों के साथ ही दूध। दूध दूध यहाँ पर काफी वैरायटी का मिलता है दोस्तों। हाँ। जैसे कि आप देख सकते हैं जो दूध प्रिजर्व होने वाला, जो महीने तक चलने वाला, वो साइड में होता है, इसको फ्रिज में भी नहीं रखना पड़ता है। और जो फ्रिज में नहीं रखना है, जो फ्रिज में रखना है सॉरी, उस टाइप का दूध डेट्स के साथ आएगा। ये 7 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। और आज हम जो शूट कर रहे हैं 3 जनवरी को, ठीक है? और यहाँ पर ना अलग अलग वैरायटी का दूध मिलेगा, जैसे कि ये बकरी का दूध है। अच्छा, जो महंगा है, काफी महंगा है। और बायोलॉजिकल दूध भी मिल जाएगा। अच्छा, ये दूध कैसे बनता है? इन पे बायो लिखा होगा, लेकिन वो जो एनिमल फूड है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, तो अभी हम कौन सा लेने वाले हैं? हम लेंगे जिससे चाय बन सके, जिससे चाय बन सके। हम ज्यादा चाय के लिए यूज करते हैं दूध। सही बात है। और उस हिसाब से मैं तो कितने का पड़ रहा है अपने को चाय वाला दूध? 1 यूरो 25 सेंट का। 125 की पड़ रही है एक बोतल। 125 की एक बोतल, 3 बोतलें परफेक्ट।
तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ये वाले सेक्शन में, ये है मेन ब्रेकफास्ट है मिल्क और बिस्किट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अच्छा तो अभी हम बिस्किट सेक्शन में आए हैं, इसका सेक्शन काफी बड़ा होता है यहाँ पर। अच्छा अरे हाँ यार, और ये जो बिस्किट है यहीं पे लोकल बेकरीज में बनते हैं और वही यहाँ पे डिलीवर होते हैं। क्या बात है, जो भी ब्रांड देखेंगे जैसे सुपर मार्केट का खुद का ब्रांड लगा हुआ है यहाँ पर और ये काफी बिकता भी है। तो अपन जो है, मेरा फेवरेट ये वाला है, 1 €56 का आता है ये। ये कौन से ब्रांड का है, कैंपिलो, एक मिनट, कैंपिलो का है और ये पार्ले जी जैसा लगता है, इसलिए मेरे को बहुत पसंद है ये। हाँ, बिल्कुल, दिख भी वैसा ही रहा है। तो इसको ले लेते अपन, डन। अब आगे चलते हैं, ये भी यहाँ पर है इसे। अच्छा इस साइड में भी है, इस साइड में क्या है कि वो चीज़ें मिलती है जो टिश्यूज वगैरह मिल जाएंगे, घर में यूज होती है कुत्ता बिल्ली, घर में जो पेट्स वगैरह होते हैं, पेट्स का सामान भी यहाँ पर मिल रहा है। पर उसको हम, क्योंकि हमारे घर में, अब मुझे हमारे घर में बुजुर्ग रहते हैं जिनको चाहिए था कान साफ करने के लिए, तो उनके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ कान साफ करने के लिए। ढूंढो यार, जैसे ये कैट फूड। तो गाइस यहाँ पर जैसे शॉपिंग करने का भी अलग ही मजा है, मतलब क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं होती। हाँ, आराम से आओ, आराम से जाओ, आराम से आप कर सकते हो, ये एक चीज है यहाँ की शॉपिंग करने की। और सारी चीजें एक स्टॉप पे मिल जाती है अपने को, एक सुपरमार्केट में घुसते सारा सामान यही मिल जाएगा, कहीं और जाने का नहीं पड़ेगा कि सब्जी कहीं और लेने जाना है, कुछ और कहीं लेने जाना है। अभी हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पे वैरायटी ऑफ पास्ता मिलेगा, सारी जितनी पास्ता की वैरायटीज है ना सारी आपको एक ही जगह मिल जाएगी। और पास्ता मतलब जिस रेंज में आप लेना चाहोगे, ब्रांड के हिसाब से प्राइस कम जाता होता रहेगा। जैसा कि ये जो पास्ता है, क्वालिटी पास्ता है ना, हाँ हाँ, ये पास्ता 99 सेंट का है और ये सेम पास्ता आपको मिल जाएगा दूसरे ब्रांड में 3 €39 का, 3 €, का हाँ देख लीजिए आप कितना फर्क है। क्योंकि यहाँ पर अब यूरोप में जो नया ट्रेंड आया है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का आया है। अच्छा, तो आप जहाँ पे भी जाओगे आपको दो कैटेगरी के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो चीप और एक सुपर एक्सपेंसिव। ओहो, जो भी आपको लग रहा है सुपर एक्सपेंसिव है, फॉर श्योर वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। यस, पास्ते के बाद हम आ गए तेल, जैसे मैंने पहले बताया था हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तेल में, कॉम्प्रोमाइज सेंस है कि हमें आदत हो गई। सबसे कम प्राइस का कौन सा ऑयल मिलने वाला है बताओ। सबसे कम प्राइस का तेल मिलेगा हमें ये 2 € का जो है इधर। हाँ, ये सनफ्लावर ऑयल सबसे सस्ता होगा, सनफ्लावर ऑयल 2 € का मिल रहा है आपको, उससे भी सस्ता है ये 1 €69 का गिरासोल। हाँ, वही सनफ्लावर ऑयल, हाँ। यही सबसे सस्ता है, जबकि अगर 5 लीटर का कोई लेना चाहे तो 8 € में मिल जाएगा। तो अपन कौन सा लेने वाले, वी आर रिच पीपल, तो हम तो इनमें देखेंगे ऑलिव ऑयल में कोई ऑफर होगा तो। हाँ, तो कोठी बंगले वाले कौन सा लेंगे, कोठी बंगले वालों के लिए 8.50 में ये जो है 8.50 की एक बोतल, 8.50 €, ये मुझे ठीक लग रही है। ठीक है तो फिर ये ले लो। तो गाइस ऑयल वॉयल लेने के बाद अब आ गए हमारे फेवरेट सेक्शन में, बताए भाई। फेवरेट हमारे सेक्शन में नहीं, मतलब जो ज्यादातर मर्दों का फेवरेट सेक्शन होता है ऑफ कोर्स, कि इटली में फेमस है पास्ता और वाइन। हाँ, और वाइन्स यहाँ पर सुपर मार्केट्स में मिलती ऐसे। हाँ, क्योंकि वाइन्स में जब भी किसी भी मार्केट में जाओगे जो एक्सपेंसिव वाइन से ऊपर की तरफ होगी। अच्छा, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे प्राइस भी 12 €, 6 €। हाँ सही बात है यार, 5 €, 4 € तक पहुंच जाएगी। और वाइन्स में देखो जैसे रेड वाइन, व्हाइट वाइन है, उसके अलावा और भी इनमें वैरायटीज है, क्योंकि ये वाइन में भी ये लोग फ्लेवर्स यूज करने लग गए। हाँ, तो अभी हम तो लेने वाले नहीं, तो हम पलट के वापिस चले। बिल्कुल बिल्कुल, हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, इसके साथ दूसरी तरफ है बियर्स। हाँ, ये बियर्स, अच्छा ये सारी बियर्स हो जाएगी, यंगस्टर्स में लोग बियर ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। सही बात है। सबसे सस्ती बियर कितने की आएगी, या सस्ती अल्कोहल सबसे सबसे चीप आ जाएगी 60 सेंट्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा चलो ठीक है भाई, 50 रुपए में आप जो है अल्कोहलिक ड्रिंक ले सकते हो। और इधर ये क्या सेक्शन है भाई, ये है ओलिव। अच्छा, यहाँ सीजनल प्रोडक्ट्स हैं। चलो तो अभी और क्या लेना है हमें, आपने चीज दिखाया होगा शायद, नहीं यार ये वाला चीज नहीं दिखाया। ये देखिए जो इटली का फेमस है, परमिजान ओरिजानो, अरे वाह यार, ये जो मेन चीज बनता है यहाँ पे, हाँ, उस चीज को कट टू साइज करके ताकि लोग उसको जितना उनको चाहिए वो ले सकते हैं प्राइस देख के। क्या बात है, ताकि 12 € का ही है। 12 € की रेंज में होगा, मतलब आप अगर देखेंगे तो ये 12 € का है। ठीक है, 12 € के आसपास आपको मिल जाएगा। तो भाई चीज की दुनिया है इटली, चीज का देश इटली।
इधर सब शैम्पू इटालियन ग्रैंडमास अपने हर खाने में चीज हाँ, डालती है। सही बात है। ये सेक्शन आ गया है अपना क्लीनिंग डिपार्टमेंट का, तो यहाँ से तो अभी कुछ लेना नहीं है हमें, कि लेना है हमें फिलहाल तो नहीं लेना, हम पूरे महीने का क्लीनिंग का सामान एक साथ ले लेते हैं। तो लेके गए हो आप ऑलरेडी, उसका खर्चा हमारा होता है 50 यूरो के आसपास। ठीक है, तो अभी यहाँ से तो दोस्तों कैश काउंटर आ जाएगा हमारा, ये देखो इस साइड पर कैश काउंटर है। और कुछ लेना है? चलो देखते हैं। तो दोस्तों अभी नमक लेने के लिए आए हैं। नमक कितने का भाई जान यहाँ पे? नमक यहाँ पे मिल रहा है 50 सेंट्स का, तो उस हिसाब से 50 सेंट्स का, वाह यार, उस हिसाब से लगभग 40 रुपए का एक नमक, एक किलो नमक। और शक्कर वगैरह कितने की? शक्कर मिल रही है 1 यूरो 60 सेंट की मिल रही है, ये 1 यूरो 60 सेंट की, ये वाली मतलब 100 रुपए के पार समझिए आप, शक्कर के भाव, चीनी के भाव, 100 रुपए के आसपास की शक्कर मिल जाएगी भाई साहब आपको थोड़ा सा ऊपर में। ये है भैया यहाँ का सुपर मार्केट कुनैड। अगर आप चाय चीनी देख रहे हैं तो पूरी चाय भी आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर अपनी इंडियन टी मिलती है क्या? इंडियन टी तो नहीं मिलती, कॉफी वगैरह मिल जाएगी, उससे मिलती जुलती चाय जरूर मिल जाएगी आपको। पर एक्चुअल जैसे इंडिया में जिस कड़क चाय जिसके शौकीन होते हैं, यहाँ पे लोग कड़क कॉफी के शौकीन होते हैं, तो आपको कड़क कॉफी हर जगह दिखेगी। सही बात है, तो आप देख सकते हैं कॉफी हर जगह कॉफी है भाई। अब जो है बिलिंग का टाइम हो गया है। मैं एक चीज भूल गया था। बोलो क्या लेके आना है? मैं कान में डालने वाली कैप्स भूल गया हूँ। हाँ लेके आओ बटाक से, ये सामान यहाँ पर रख दिया है। और ये लक्ष्मण भाई के पास बिलिंग के लिए तैयार, नो प्रॉब्लम, नो नो प्रॉब्लम। वो क्योंकि आंटी जी के पास सिर्फ एक ही चीज थी, तो हमने उनको कहा कि आप पहले करवा लीजिए। वाह सो काइंड, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, बूढ़ों का ध्यान रखते हैं क्योंकि एक दिन हम भी बूढ़े होंगे, हमारा भी कोई ध्यान रखेगा। वाओ, तो स्टूडेंट्स के लिए सेविंग ट्रिक है कि एक बैग लेकर आओ अपने बैग में, ऐसे वाले बैग में जैसे बैग भी लेकर आए। तो अभी पेमेंट कर दिया है और घर में पास में है, तो क्यों हम इनसे बैग लें। सही बात है, ट्रू। सो गाइस सामान वामान हमने सामान लेकर अब हम निकल पड़े घर की तरफ। और शॉपिंग का एक्सपीरियंस आज काफी अच्छा रहा, क्योंकि आज ज्यादा लोग नहीं थे, और अमूमन शाम के इस टाइम पे मतलब 7 बजे के आसपास लोग नहीं निकलते हैं, क्योंकि घरों में वो पकाते रहते हैं खाना वगैरह। यस, और आज हमारा जो है ग्रोसरी शॉपिंग कितनी की हुई, इसी के साथ मैंने ले लिया है वाउचर, जिससे मुझे पता चलेगा और क्या क्या ऑफर्स यहाँ पर आने वाले हैं। और कौन कौन से वेजिटेबल्स आने वाले हैं। ट्रू। और अभी ये जो बिल कितने का बना हमारा, आज का बिल बन चुका है 39 यूरो का। तो अगर एक एवरेज स्टूडेंट आता है तो वो पर वीक का कितना उसके ग्रोसरी बिल बन सकता है? पर वीक चला जाएगा वन स्टूडेंट के हिसाब से 15 to 20 यूरो आपका वीकली बिल बनने वाला है ग्रोसरी शॉपिंग का। अगर आप खाना बना के खाना, थोड़ा बहुत खाना अगर आप बनाना चाहते हो तो 15-20 यूरो में आपका हो जाएगा। यस, तो अब हम घर पहुंच जाएंगे, तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। बाय कर दो लक्ष्मण, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।